ऑल इंडिया की होती है, जो इससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज से संपर्क करती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री से जुड़ी है, एमएसएमई मिनिस्ट्री, सभी मिनिस्ट्री से जुड़ी है, उनके बीच में लेजनिंग का काम, स्टूडेंट्स के बीच में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में और वेरियस अथॉरिटीज के बीच में, वो सेंट्रल काउंसिल करती है। एंड हंसराज जी बहुत अच्छे वोटों से हर बार जीत के आते हैं, अभी फिर दोबारा इलेक्शन है तो इनके ज्ञान को देखते हैं, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। नोएडा में भी सर ब्रांच है उसकी, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रवीण भाई का, उन्होंने आप सबके सामने आने का, आज स्वाभाविक सी बात है कि अर्ली मॉर्निंग आप सबसे मुलाकात करने का मौका मिला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो वो समय चला गया जब हम लोकल या डोमेस्टिक की बात करते थे। समय 1992 के बाद में एक देश की तरक्की का रास्ता दूसरी पॉलिसी के द्वारा डेवलपमेंट आई। आप भी सब समझते हैं पॉलिसी मेक्स द डिफरेंस, और उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस माइंड है उसका स्वाभाविक सी बात है कि उस पॉलिसी के बेनिफिट्स को लेने का समय होता है। आज मेरा आप सबसे मुलाकात हुई और मोस्ट ऑफ यू आई कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस सर्विस सेक्टर, क्योंकि सर्विस एक ऐसा सेक्टर है, इंडिया की जो फिलॉसफी है, इंडिया का जो सिस्टम है, आप भी समझते हैं कि कैसे कैसे मूव हुआ। इंडिया यूज टू बी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी वे बैक सिंस वी बिकम एन इंडिपेंडेंट, एंड एक्चुअली उसके बाद 1951 के अंदर जो है हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, और वो भी एक लिमिटेड सेगमेंट्स के अंदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा। देर वॉज हार्डली एनी काइंड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर विच कुड हैव डेवलप्ड। लेकिन आफ्टर 1951 जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन ने एक उत्पत्ति ली तो उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन का देश शुरू हुआ, और आज की जो इकोनॉमी है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। तो इसमें जो है नॉलेज और सर्विस सेक्टर को जो है अपना स्थान मिला, और स्टार्टिंग विद ITITS, अभी हमारे कुछ मित्र लोगों को मैंने देखा वो ITITS से बिलोंग करते हैं, और आज जो है इंडिया इज द एक्सपोर्टर ऑफ द हाइएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ITITS services, not limited to the ITITS, every industry you talk about, whether it is the engineering, whether it is the accounting, whether it is the financial services or even medical services or many services you talk about. तो ये जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाके वो सेवाएं दें, इंडिया में बैठे बैठे जो है one can step into and one can provide services to the overseas clients, और overseas clients visit at any center here, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भाई एक्सपोर्ट के अंदर जो है यदि हम स्टेप डाउन करते हैं या स्टेप अप करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की बात है। ये जो फिगर आपके सामने आ रही है इंडियन के फॉरेन ट्रेड की बात की जाती है, इंडिया के अंदर कितना एक्सपोर्ट्स है, तो फिगर की क्वांटम आप समझ सकते हैं। इंडिया इज ए डेवलपिंग एंड एमर्जिंग कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो इंडिया का जो ट्रेड है, जो टारगेटेड फिगर्स हैं, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर आप भी समझते हैं कि ये सारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट या लोकल ट्रेड जो है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉल करता है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो वेबसाइट है वो फिगर्स देती है हमें, और इसके अंदर हमारी जो फीलिंग है, जो ग्रोथ है आने वाले समय में, जैसे अभी हमारे इकोनॉमी का साइज है $4 trillion इकोनॉमी, क्लोज टू द $4 trillion इकोनॉमी, और अगले 25 साल जो है आप समझते हैं $30 trillion इकोनॉमी की बात हो रही है। तो इकोनॉमी का जो मेन सेगमेंट है इंटरनल और एक्सटर्नल, इंडिया के अंदर जो आप बिजनेस करते हैं उसको इंटरनल इकोनॉमी कहते हैं, जो इंडिया से बाहर जब हम पहुंचते हैं तो हम उसको एक्सटर्नल इकोनॉमी कहते हैं। इंडिया से बाहर भी मैं बात करूँगा तो इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करूँगा, और फिर आपके अंदर जिसके अंदर भी वो जिज्ञासा या एंटरप्रेन्योरियल माइंड या एक स्टेपिंग टूवर्ड्स द जो हमारे प्रगति परिवार का जो है जो उद्देश्य है कि ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, प्रगति प्रगति प्रगति, और आप सब परिवार का हिस्सा है तो नेचुरल सी बात है कि आज मुझे भी हमारे प्रवीण जी और पूरी टीम ने जो है मुझे आपके सामने आने का मौका दिया, उसके पीछे कुछ और भी उद्देश्य था।
जैसे हमारे मित्र ने बताया कि भाई मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, काउंसिल में फ्रंट सीट पर हूँ, तो जो हमारे इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो मुझे अच्छी तरह जानते होंगे। मेरा नॉर्थ रीजन से रिप्रेजेंटेशन है, विच कवर्स दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, जे एंड के। तो जम्मू एंड कश्मीर तक के जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ उनकी काउंसिल। तो उस सिस्टम के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी जो है, या इंडियन सिस्टम के अंदर हम एक एजुकेशन की या एक नॉलेज की बात करते हैं, तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अपना एक डिफरेंट प्लेस है, जो हमेशा ग्रोथ की बात करता है, जो हमेशा बिजनेस के डेवलपमेंट की बात करता है, और बहुत अच्छे कंप्लायंस की बात करता है, गुड गवर्नेंस की बात करता है, अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, और बहुत सारे साधन के द्वारा बिजनेस ग्रोथ की बात करता है। कि हमारे सिस्टम के अंदर जो है जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको सपोर्ट करता है। एंड देयर इज अ सेइंग, इफ एनी इंडस्ट्री और एनी बिजनेसमैन हैज रॉन्ग विद, तो हु इज द पर्सन बिहाइंड। If anyone has become an industrialist or has growth with the industry, the person behind is a chartered accountant. ये आप सबको मालूम होगा। Without the services of a chartered accountant, without the person who understands, the person who understands the tips and trades, the person who carries the good governance or who can make the business to grow with. I have my own personal experience also. With many of the industries, whether it is the multinational corporations, whether it is the Indian big corporate houses or the small and the medium enterprise houses, the whosoever has rendered them the best, they are the chartered accountants. So, exports की जो बात करते हैं या imports की बात करते हैं, तो इसका जो पहला points होता है thought. ये जो हम ideas की बात करते हैं, आज आप में से कोई भी सज्जन जो है, यदि अपनी services को बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ले जाना चाहता है, तो उसको जो है कुछ मॉडल हमारे जो गवर्नेंस के हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क के हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद जो है जो अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, और बेस्ट ऑफ दी रीजनेबल प्राइस एंड द क्वालिटी के ऊपर जो है ध्यान देते हुए, तो उसका जो है सिस्टम डिवेलप होता है। ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पॉलिसी काम करती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक बेस एक्ट है, बेस पॉलिसी है, जिसका ओरिजिनेशन है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के द्वारा। देयर इज अ लॉ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, जिसका 1992 के अंदर जो है डेवलपमेंट हुआ। आप सब समझते हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कब लिखी गई, तो एक वो लिखी गई 1992 के अंदर, एक 1947 के अंदर लिखी गई, जब इंडिया जो है सिस्टम के अंदर इंडिपेंडेंट कंट्री बना। आज हम स्वाभाविक सी बात है कि उस फेज के अंदर है जब हमारा 78th हमने ईयर मनाया, और आगे आने वाले जो 25 साल हैं, आई कैन गारंटी विद द पीपल, दोस हु आर रियली वांट टू सर्व टू दिस कंट्री, दे हैव टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्योंकि वो जो वार है वो अब उसकी नहीं है कि बॉर्डर पर वार हुई है, अब जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा जो भी सस्टेन कर गया, जो भी आगे बढ़ना चाहता है, उसी को तरक्की का रास्ता मिलेगा। कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी को जो है करने वाले लोग जो हैं वो कम होते हैं, और उसके सपोर्टिव लोग ज़्यादा होते हैं, तो फ्रंट लाइन पे वही आएगा जिसके पास एंटरप्रेन्योरल ब्रेन है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, जिसके अंदर जज्बा है कुछ करके दिखाने का। और मैं तो समझता हूँ कि आज जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, क्योंकि सुबह जो है कि अर्ली राइजर जो है वो कहते हैं कि अर्ली राइजर ऑलवेज मूव स्टेप फॉरवर्ड एंड वन ऑलवेज कैरीज डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द फैमिली। जब हम दूसरे की लाइफ की के अंदर जो है अपना जो है कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमें इकोनॉमिक प्रेशर भी एक ऐसी चीज है जो आगे ले जा सकती है। तो इस पूरे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताता हूँ कि पहला जो है सर्विस क्या है। ईच एंड एवरी सर्विस इन अवर कंट्री, वेदर इट इज़ द मेडिकल सर्विस, वेदर इट इज़ द इंजीनियरिंग सर्विसेज, वेदर इट इज़ द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वेदर इट इज़ द आईटी आईटीएस सर्विसेज, एनी सर्विसेज यू नेम इट, दिस इज़ द नीड ऑल अक्रॉस द ग्लोब।
and how you can move beyond the country, that is the gimmick of the brain only. That is the गेम चेंजर इज आप कैसे मूव करना चाहते हैं. जैसे मैं आई प्रोवाइड द कंप्लीट सर्विसेज अक्रॉस मेनी कंट्रीज वेदर वी टॉक अबाउट इंडिया वेदर वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया वेदर वी टॉक अबाउट कनाडा और आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया. सो बिकॉज़ द सर्विसेज नॉट इन यू आर गोइंग टू डू देयर योर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सिटिंग हियर इन आवर कंट्री वी रेंडर थ्रू द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज द मींस टू provide the accounting and the financial services also. Same is with the, suppose there is a hospital here and they have the some flow of the patient from the overseas. That is also equivalent to the exports because the service recipient is coming from the overseas. One is flying. This is a medical tourism. If we talk about these kind of services, to char tarah ke mode hain. आप जो है इंडिया में बैठे बैठे सर्विसेज दे रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी. अपना बाहर जाके अपनी जो है ऑफिस खोल रहे हैं वो कर रहे हैं या बाहर से कोई यहाँ पर आके सर्विसेज दे रहा है या आपका जो मॉड मोड है कि आप वहाँ जाके पर्सनली विदाउट हैविंग एन ऑफिस वहाँ जाके अपनी सर्विसेज पैकेज आपको. तो हमारे सिस्टम में मैं प्रोडक्ट के ऊपर इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि आई डोंट फाइंड मच पीपल हेयर those who are into the product exports. But India with the many things are coming up, जैसे इंडिया ने अपनी growth story 25 साल की already बता रही है अमृतकाल. अमृतकाल is the time when we have to wake up to turn around the table where India to be recognized as a developed country. आप क्या है under developed third world country का समय था 92 से पहले. इंडिया के अंदर जो है यदि आपको अपना घर पर टेलीफोन लगवाना था दोज हु आर इन द कैटेगरी लाइक मी इन द सीनियर कैटेगरी दे नो व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर 92. आपको फोन लेना होता था तो 10-10 साल लगते थे. गाड़ी के नाम पे सिर्फ आपके पास एम्बेसडर या फीएट या फिर 85 के अंदर मारुति. आज जो है एनीथिंग यू वांट टू हैव anything which is available to the globe to enjoy with, that is available in our country. They have transformed from the category of the underdeveloped or third world country to the developing nation or the emerging country. Now the step has to be taken towards the developed nation. तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि समय है जागरूक होने का, समय है अवेकन अप करने का और समय है अपने जो टीम की स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करने का और अपनी स्टोरी लिखने का. जिसने आज जागरूक होके अपनी स्टोरी को लिख दिया और उसकी अपनी स्ट्रेंथ के बेस पे और अपने सराउंडिंग स्ट्रेंथ के बेस पे ऑन द बेस्ट ऑफ द फिलॉसफी अवेलेबल इन योर माइंड, तो आप जो है अपने आप को जो है 5 साल बाद डिफरेंट महसूस करोगे. और इसका जो मॉडल है यही है कि आप अपने आप को लोकल नेटवर्क से लेके लोकल एरिया से निकल के बाहर निकल के आपको बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाने के बाद आपको अपने आप को प्लेस करना पड़ेगा कि इंडिया इज अमंगस्ट द कंट्री और आई एम द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द नीड फॉर द ग्लोब आल्सो. कुछ चीज़ों के ऊपर चर्चा करूँगा मैं क्योंकि यहाँ पर समय की लिमिटेशन है. तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिया की पॉलिसी कीप ऑन चेंजिंग डायनेमिक पॉलिसी है और समय के बदलाव के साथ इंडियन गवर्नमेंट जो आज की पॉलिसी की बात करता हूँ आज की पॉलिसी बहुत ओपन माइंड के द्वारा है. पहले इंडिया का जो है एक्सपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट होता था, इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती थी. इम्पोर्ट वॉज नेवर बीन एनकरेज टू डू इट बिकॉज इंडिया वॉज सफरिंग और द हैविंग सम स्केयरसिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. बट नाउ इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड और इंडिया हैज़ ए हाइएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो इंडिया इज नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग ओपन अप ऑफ द इम्पोर्ट. समटाइम्स वन फील लाइक एक्सपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट है, नहीं ऐसा नहीं है. जहाँ जहाँ जिस प्रोडक्ट की इंडिया के अंदर जरूरत है या जो अफोर्ड कर सकता है इम्पोर्ट करने के लिए तो वो भी अलाउड है फॉर द ट्रेड एंड बिजनेस आल्सो एंड फॉर द पर्सनल नीड्स आल्सो. तो लेजिस्लेशन कीप ऑन चेंजिंग. टुडे वी आर विद द ओपन मार्केट, टुडे वी आर विद दैट काइंड ऑफ द बैंक ऑफ माइंड कि जहाँ ओपननेस है चीज़ें जो है डिफरेंट है.
तो हमारे पास आज भी कोई चीज हमें इम्पोर्ट करनी है तो वो अवेलेबल, एक्सपोर्ट करना है तो वो अवेलेबल, प्रोवाइडेड समथिंग विच इज द इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द नेशनल इंटरेस्ट विच इज नॉट बीन अलाउड इज और विच इज रिस्ट्रिक्टेड विद दोज आर इन द ओनली एन एक्सेप्शनल कैटेगरी. तो एवरीथिंग इज फ्री एज पर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंसर्न एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द एक्सेप्ट इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वेयर इट इज रिस्ट्रिक्टेड आइदर फॉर द टाइम बीइंग और मे बी फॉर द सर्टेन रीजंस. लेकिन उसके लिए जो है यदि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है तो आपको लाइसेंस या कुछ परमिशंस लेनी होती है. दैट इज दोज वर फ्रॉम दी जैसे कुछ दोस्तों ने देखा, हमने देखा सी एच ए या फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस में दे नो दिस बिजनेस आल्सो. तो इस मॉडल के अंदर यदि आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं, यदि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं तो इसके अंदर बहुत बड़ा जो है स्वाभाविक सी बात है कि स्पेस अवेलेबल है फॉर ऑल दी सर्विसेज, फॉर ऑल दी गुड्स आल्सो. तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें यदि आपकी प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट लाइन या सर्विस लाइन या सिस्टम के अंदर आपको एंटर करना होगा, अपना स्ट्रक्चर, अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम उस तरीके से क्रिएट करना है जिससे आपको उसके अंदर नेचुरल सी बात है कि बिजनेस एक सेंस होता है, बिजनेस एक आइडिया होता है. बिजनेस को आगे ले जाने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे टीम हो, चाहे उसको ऑर्गेनाइज करने के मेथड्स हो, वो सब चीज़ें जो है हमारे सामने नज़र आती हैं. तो मेरे जस्ट टू शेयर दी बीच ऑन ऑफ यू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज इट क्वाइट ईजी ए सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या बाहर से बिजनेस करना डिफिकल्ट है. बट नॉट इज क्वाइट ईजी. आपको यदि इफिट इज फॉर द ट्रेड एंड बिजनेस तो आपको इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेना है जो थर्ड पार्टी रिसर्च भी मिल जाते हैं कई बार आपको, तो उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं. रिस्ट्रिक्टेड आइटम है तो लाइसेंस लेना पड़ता है, अनरिस्ट्रिक्टेड आइटम है तो फ्री, आप यू आर फ्री टू इम्पोर्ट. आपको ड्यूटी पे करनी है और इम्पोर्ट इज व्हाट्सएवर यूसेज पर. यदि आप उस प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर लाए हैं और उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट कर सकते हैं अगर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट टू बी डेवलप्ड एज ए एडवांस इम्पोर्ट. कुछ कैपिटल गुड्स प्रोडक्ट इम्पोर्ट्स, कुछ कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट्स उसकी स्कीम्स हैं. देयर आर मेनी सरप्लस विच आर अवेलेबल इन द एज पर द कस्टम लॉ, मेनी मेनी बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मेनी थिंग्स आर देयर विच आर बीन इंसेंटिवाइज फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सपोर्ट्स. जैसे आप सबको मालूम होगा यदि ये एक्सपोर्ट्स हैं तो नो ड्यूटी एंड टैक्सेस हैज टू बी लेविड, आइदर इट हैज टू बी रिफंडेड बैक और इट हैज नॉट टू बी लेविड एट द इनिशियल स्टेज, बिकॉज एक्सपोर्ट इज पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ एवरी गवर्नमेंट वांट्स एक्सपोर्ट टू बी टेकन फॉरवर्ड, एक्सपोर्ट टू जनरेट द फ्री कन्वर्जन. तो ये जनरल प्रोविजंस मैंने आपको बताए हैं और बाकी की क्योंकि स्पेसिफिक समय के लिमिटेशंस हैं आपका कोई इंक्वायरी या कोई क्वेश्चन है तो मेरे सामने आप. सो वी हैव 2 मिनट्स फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. आपके पास कोई सवाल हो आपके सर्विसेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है. विवेक से स्टार्ट करते हैं. सर डू वी नीड लाइसेंसेस फॉर कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग सर्विसेज? Oh, there is no need for the, basically you see like there are the free to trade with provided it is non-regulated. There are two kind of services, one is the regulatory services, one is the non-regulatory services. If you want to, being a chartered accountant, if I want to render the services as the audit services, so I cannot do so unless the country of that, that country allows me to do so. But as far as the accounting services or the financial services are concerned, this is unregulated. Same is here in our country, if anyone wants to do the audit, they cannot do it unless until the regulation allows it. So, इस services के अंदर कोई भी permission या कोई भी आपको किसी तरह की जरूरत नहीं है. आप freely अपने customer ढूंढिए, आपकी services होंगी, आप trainings we can provide. Yeah. Any question? Or बीच में? हाँ, सुमित. See you, Sumit. The selective scheme is service export from India. Service export from India जो scheme है, वो 31 March 2030 तक थी. उसके बाद उससे पहले भी यदि कोई मैटर्स हैं दे कैन अभी इफ समवेयर इट हैज बीन स्टक अप तो उसके बाद ये सर्विस स्कीम जो है डिसकंटिन्यू कर दी, लाइकली इट विल कम अगेन.
एनी अदर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मेरा सर, मेरा डेटा रिक्रूट का बिजनेस है और इसमें हमारी मशीन होती है और रशिया से इम्पोर्ट होती है, तो क्या कोई गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है अगर मैं स्टार्टअप इंडिया के अंदर दिखा के, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ऑब्वियसली बात 10-15 लोगों को उससे जॉब मिलती है, तो क्या हम उस इम्पोर्ट जो ड्यूटी है वहाँ की जो टैक्स लगता है उसको हटा सकते हैं या कुछ कोई स्कीम हो? यदि वो मशीन जो है से आप ओवरसीज सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो आपको ये ड्यूटी फ्री स्ट्रक्चर के अंदर विद एन ऑब्लिगेशन जितना आप ड्यूटी सेव करोगे उसका 6 टाइम जो है इन 6 ईयर्स आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज द स्कीम कॉल्ड EPCG स्कीम। तो उस स्कीम के अंदर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो उसमें आपको 0% ड्यूटी लगेगी, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अगले 6 साल आपकी सर्विसेज जो है या जो भी गुड्स यदि आपने कुछ उससे मशीन से बनाए तो आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा कि आप कितना एक्सपोर्ट करेंगे इन एंड विद द लोकल स्कीम को। इसको फिर क्या बोलेंगे हम अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG। एनी लास्ट क्वेश्चन? अदरवाइज हां जी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ड्यूटी के आइटम। ऐसा होता है ना कि देयर आर लाइक द प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज आर इन द कैपिटल गुड्स, ग्रुप इज द कैपिटल गुड्स।